क्योंकि जितने भी मुस्लिम दल हैं, जितने भी मुस्लिम सोच के लोग हैं, जितने भी इस्लामिक लोग हैं, वो तो सभी लोग यही चाहते हैं कि बजरंग दल बैन हो जाए, विश्व हिंदू परिषद बैन हो जाए, आरएसएस बैन हो जाए। सभी मुसलमान भाइयों की यही सोच है। और मैं भी देखो दोगला हिंदू मैं भी यही चाहता हूँ। प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट दो ही हैं, ढाई साल अरविंद केजरीवाल पीएम कैंडिडेट रहेंगे और ढाई साल कांग्रेस पार्टी की तरफ से या तो राहुल गांधी रहेंगे या खड़गे साहब रहेंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनकी वजह से मुझे दारू पीने की लत लग गई और अब मुझे नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुजरात में दारू बैन कर रखी है और पता नहीं क्या क्या वंदे भारत लेके आ रहे हैं, बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, अच्छी अच्छी सड़कें बना रहे हैं। मुझे ऐसा पीएम तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वो पूर्णतः हिंदू है, असली सनातनी राहुल गांधी है, ब्राह्मण बताते हैं। हाँ, ब्राह्मण, असली ब्राह्मण, असली जनेऊधारी ब्राह्मण वही है। आरएसएस को बैन कर देगा और पीएफआई को पूरे भारत में लागू करने की घोषणा कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि मुस्लिम पार्टी मुस्लिमों से ही हमें आदत है। 2024 में शराब परोसने वाली सरकार, हिंदुओं को बैन करने वाली सरकार, उन्हीं को वोट देना मेरे भाइयों। देखिए, सीएम योगी अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स के दावेदार हो गए और गलती से उनको बना दिया, तो जो ये मुगल काल बनने की तरफ मेरा भारत अग्रसर है, वो बिल्कुल 0-0, 0-0, 0-0 हो जाएगा। अगर कांग्रेस सरकार होती तो वहाँ खुशियों की लहर दौड़ी हुई होती, आतंकवादी अच्छे खासे पनप रहे होते। जो हमारा अपना जो कश्मीर है, कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आप वोट दे दीजिए, जो हमारा जो अपना कश्मीर है वो भी हम पाकिस्तान को दे देंगे। और ये कांग्रेस पार्टी अपने मंच पर भी ये घोषणा करने वाली है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। हमारा झुकाव तो देखो एक तरफा है। प्राइम मिनिस्टर के कैंडिडेट दो ही हैं, ढाई साल अरविंद केजरीवाल पीएम कैंडिडेट रहेंगे और ढाई साल कांग्रेस पार्टी की तरफ से या तो राहुल गांधी रहेंगे या खड़गे साहब रहेंगे। यही दो पीएम कैंडिडेट के बड़े तगड़े दावेदार हैं और मैं चाहूँगा, मेरी नज़र से अगर आप देखें तो इन दोनों को ही प्राइम मिनिस्टर पूरी जनता को बनाना चाहिए, क्योंकि अरविंद केजरीवाल इकलौते ऐसे सीएम हैं जो शराबियों को बढ़ावा देते हैं, शराब पीने को बढ़ावा देते हैं, एक के साथ एक पीने का बढ़ावा देते हैं। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिनकी वजह से मुझे दारू पीने की लत लग गई और अब मुझे नरेंद्र मोदी बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि उन्होंने गुजरात में दारू बैन कर रखी है और पता नहीं क्या क्या वंदे भारत लेके आ रहे हैं, बुलेट ट्रेन लेके आ रहे हैं, अच्छी अच्छी सड़कें बना रहे हैं। मुझे ऐसा पीएम तो बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वहीं इसके ठीक उल्टा विपरीत कांग्रेस मुझे क्यों पसंद है? कांग्रेस मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि देखो उनका नाम ही राहुल गांधी और जनेऊधारी और उन्होंने धोती वगैरह भी सब पहनी थी। वो पूर्णतः हिंदू है, असली सनातनी राहुल गांधी है, ब्राह्मण बताते हैं। हाँ, ब्राह्मण, असली ब्राह्मण, असली जनेऊधारी ब्राह्मण वही है। नरेंद्र मोदी, अमित शाह ये नकली हिंदू है, इनके बहकावे मत आना मेरे भाइयों। कहीं आप बीजेपी को बटन दबा दो। आप अगर आपको जिताना है तो कांग्रेस पार्टी को जिताना है, अरविंद केजरीवाल को जिताना है। अरविंद केजरीवाल ढाई साल शराब पिलाएगा। दूसरा आदमी जो कांग्रेस पार्टी से कैंडिडेट जो भी बनेगा, वो पूरे देश में हिंदुओं को बैन कर देगा, बजरंग बल बैन कर देगा, बजरंग दल को बैन कर देगा, विश्व हिंदू परिषद को बैन कर देगा, आरएसएस को बैन कर देगा और पीएफआई को पूरे भारत में लागू करने की घोषणा कांग्रेस पार्टी करेगी, क्योंकि मुस्लिम पार्टी मुस्लिमों से ही हमें आदत है मुगलों के अंतर्गत रहने की। तो बैन कर दिया गया पीएफआई? नहीं, कांग्रेस 2024 में जैसे ही कांग्रेस पार्टी आएगी, पूरी मुस्लिम आबादी। अब आप देखिए, कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक में बजरंग दल को बैन करने की मन से घोषणा की। पूरे हिंदू ये सोचने लगे कि बजरंग दल को बैन कर दिया, बजरंग बली को बैन कर दिया, ये हो गया, फलान हो गया। अब आप इसका ठीक उल्टा भी आप देखिए, बजरंग दल को बैन करने की घोषणा से कांग्रेस को उल्टा फ़ायदा हुआ। लोग बात सोच रहे हैं घाटा हुआ। मेरी कांग्रेस पार्टी को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, क्योंकि जितने भी मुस्लिम दल हैं, जितने भी मुस्लिम सोच के लोग हैं, जितने भी इस्लामिक लोग हैं, वो तो सभी लोग यही चाहते हैं कि बजरंग दल बैन हो जाए, विश्व हिंदू परिषद बैन हो जाए, आरएसएस बैन हो जाए। सभी मुसलमान भाइयों की यही सोच है। और मैं भी देखो दोगला हिंदू मैं भी यही चाहता हूँ। हिंदू को मैं कभी भी आगे नहीं बढ़ने दूंगा। जब तक मुसलमान आगे नहीं बढ़ जाएंगे, दोबारा से मुगल काल भारत में दोबारा से मुगल काल स्थापित नहीं हो जाएगा, तब तक मुझे भी चैन नहीं आएगा। इसलिए मेरी भी मुहिम है कि पूरे भारतवासी बीजेपी को वोट ना दें, क्योंकि ये बीजेपी पार्टी वाले पूरे देश को हिंदू एकता मंच पर ले आएंगे, सभी हिंदू को जगा देंगे। भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल भूल के वोट मत देना। आपको वोट देना है कांग्रेस को और आम आदमी पार्टी को, तभी ये पूरा देश मुगल काल की तरफ जाएगा। भारत देश जो मुगलों, हम हिंदुओं को जो मुगल काल में मुगलों के अंतर्गत जीने की जो आदत थी, वही दोबारा हमें लाने की जो पुरजोर कोशिश कांग्रेस पार्टी, ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल की जो मुहिम है, मैं इन पार्टियों के साथ हूँ। बस मेरी बात को ध्यान रखना, भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। 2024 में शराब परोसने वाली सरकार, हिंदुओं को बैन करने वाली सरकार, उन्हीं को वोट देना मेरे भाइयों।
कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है मल्लिकार्जुन खड़गे, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक जहरीले सांप की तरह है, वो जहर उगलते हैं। बिल्कुल, मैं तो खड़गे साहब के साथ हूँ। खड़गे साहब ने तो बहुत अच्छी बात कही है, नरेंद्र मोदी इतना जहर उगलते हैं, इतना जहर उगलते हैं, मुस्लिमों के लिए ही जहर उगलते रहते हैं। वो मुस्लिमों के लिए ही सारा उन्होंने दिक्कत कर रखी है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को देखो, उन्होंने कैसे राष्ट्रपति बना दिया, पता नहीं कैसे राष्ट्रपति बना दिया, जबकि वो मुस्लिम थे। मैं तो देखो ISI एजेंट को, जो उनके आतंकवादियों के जो सोच रखने वाले लोग हैं, मैं तो उनको बढ़ावा देने वालों में से मैं आदमी हूँ। ममता बनर्जी के मैं साथ हूँ, कर्नाटक में मैं साथ हूँ, कांग्रेस में मैं साथ हूँ, केरला फाइल्स को आप देख लीजिए, वो सभी हिंदुओं को जगाने की पता नहीं कैसी पिक्चर उन्होंने लॉन्च कर दी है, जिसमें पूरी पिक्चर ये दिखा रही है कि कैसे हिंदू बचेगा। हिंदू बचना नहीं चाहिए। अगर ये केरला फाइल्स सभी पूरी भारतवासियों ने देख ली तो हो सकता है 2024 में फ़र्क आ जाएगा। इसीलिए मेरे कांग्रेस भाइयों ने 2024 में, ताकि कोई मुसलमान कोई हिंदू जग ना जाए, इसीलिए उन्होंने केरला फाइल्स को बैन कर दिया। मैं तो देखो अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस, जब तक ये पूरा देश मुगल काल में तब्दील नहीं हो जाएगा, मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। अच्छा, एक मोदी सरकार पर यह भी आरोप लगता है कि मोदी जी के चेहरे पर जो है ये तमाम राज्यों में जो चुनाव जीत जाते हैं, चाहे उस राज्यों में उन्होंने काम किया हो नहीं किया वो नहीं देखते, लेकिन बस मोदी जी आते हैं, रोड शो करते हैं, रैली करते हैं और उनके चेहरे के दम पर उनकी हवा बनती है और जिससे चुनाव में फ़ायदा होता है और जीत हासिल करती है BJP। तो आपको क्या लगता है, अगर मोदी जी को चेहरा अगर हम ना रखें प्रधानमंत्री पद का, एक बार को CM योगी को अगर रखें या कोई अन्य चेहरा रखें, जैसे नितिन गडकरी की हम बात करते हैं विकास को लेकर, तो रखेंगे और राहुल गांधी दूसरी तुलना में मतलब प्रधानमंत्री पद सामने में, तो क्या लगता है तब जनता की? देखिए, CM योगी अगर प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट्स के दावेदार हो गए और गलती से उनको बना दिया, तो जो ये मुगल काल बनने की तरफ मेरा भारत अग्रसर है वो बिल्कुल 0-0, 0-0, 0-0 हो जाएगा। क्योंकि योगी जी तो बिल्कुल भी नहीं चाहते कि ये मुगल काल हम शरिया कानून के तहत भारत में रहना सीखें। योगी तो सीधा संविधान के तहत रहना सिखाना चाहते हैं, अच्छा रहो, अच्छे से रहो। योगी जी का आप संविधान देख लीजिए, आप योगी जी का संविधान ही कैसा है? योगी जी का तो एक ही संविधान है, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे, पर हमें तो कायदे में रहना आता ही नहीं है। हमें तो कायदे में रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। हमें अपनी तरफ से जीने की आदत है। हमें सड़क पर नमाज पढ़ने की आदत है। हमें लाल किला पर दूसरा झंडा फहराने की आदत है। हमें कहीं पर भी पसर जाने की आदत है। हमें कोर्ट से न्याय नहीं चाहिए। अतीक अहमद जैसे मारे जाए तो हमें वो भी पसंद नहीं है। हमें तो पत्थर मारने की आदत है। अगर ये सारी आदतें हमारी छूट जाएंगी तो योगी जी हमें तो बिल्कुल पसंद नहीं है। हमें तो ऐसा CM चाहिए, ऐसा PM चाहिए जो हमें पत्थर मारने की आज़ादी दे, जो हमें ट्रिपल तलाक जैसे पता नहीं कैसे अंधे उल्टे पुल्टे कानून जैसे ट्रिपल तलाक और तलाक 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 बोलने पर, देखो कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ थी। कई बार तो मुझे भी ऐसा लगता है कि मुझे भी मुसलमान हो जाना चाहिए था। मैं अपनी बीवी को कम से कम व्हाट्सएप ही कर देता तलाक तलाक तलाक, कम से कम उससे आज़ाद तो हो जाता मैं, और मैं दूसरी नई कोई दूसरी बीवी को पकड़ लेता मैं जाके हलाला छलाला जो भी कुछ करा के। हमें तो तरीके से रहने की आदत ही नहीं है। देखिए, मैं फिर वही उसी बात पर आ जा रहा हूँ। मैं आप BJP को वोट मत डालना, क्योंकि ये कायदे से रहना सिखाते हैं, ये तमीज़ से रहना सिखाते हैं। हाँ, अगर आपको सड़क पर नमाज पढ़नी है, अगर आप उल्टे सीधे सारे काम करने हैं, माफियाओं को दोबारा से राज लेके आना है, तो मैं कांग्रेस पार्टी को समर्थन देता हूँ, अरविंद केजरीवाल को समर्थन देता हूँ। छुट्टम शराब पियो, एक के साथ एक फ्री पियो, बाल्टी भर के पियो, दारू पूरे ज़िंदगी में कुछ नहीं करना, सिर्फ दारू पीना, दारू पी के कांग्रेस पार्टी को वोट देना जाके, ताकि पूरा देश मुगल काल में तब्दील हो जाए। 370 जब से हटाई BJP ने कश्मीर से, तब से मतलब ये बड़ा मुद्दा बना हुआ था लोगों के बीच में कि 370 हटाइए, एक बहुत मतलब ऐसा ये ऐतिहासिक कदम था जो मोदी सरकार द्वारा लिया गया। तो लेकिन कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कहती है, वो रैलीज में कहते हैं कि अगर हमारी सत्ता में फिर से वापसी होती है तो हम 370 को फिर से बहाल करेंगे। बिल्कुल, मैंने अपने पहले बयान में क्या कहा, मैं तो कट्टर कांग्रेसी आदमी हूँ। कांग्रेसी आज जैसे ही कांग्रेस दोबारा सरकार आ जाएगी, 370 को हटाती क्या, जो अभी हमारा अधिकृत जो कश्मीर है, 370 हटाने के बावजूद पाकिस्तान को मुफ्त में कांग्रेस पार्टी हमारी तरफ से जो कश्मीर है वो परोस देगी कि ले जाओ। आज जो आटे के लिए परेशान है कश्मीर, क्यों परेशान है? BJP की वजह से परेशान नहीं है। अगर कांग्रेस सरकार होती तो वहाँ खुशियों की लहर दौड़ी हुई होती, आतंकवादी अच्छे खासे पनप रहे होते। जो हमारा अपना जो कश्मीर है, कांग्रेस पार्टी और अरविंद केजरीवाल को आप वोट दे दीजिए, जो हमारा जो अपना कश्मीर है वो भी हम पाकिस्तान को दे देंगे। और ये कांग्रेस पार्टी अपने मंच पर भी ये घोषणा करने वाली है, ये मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कट्टर कांग्रेसी हूँ। POK देखो, पता नहीं BJP वाले क्यों कहते रहते हैं वो हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा है, हमारा हिस्सा तो है नहीं है, वो तो पाकिस्तान वालों का हिस्सा है, उन्हीं को दे देना चाहिए, तभी तो आवाम जगेगी। यासीन मलिक को आप देख लीजिए, यासीन मलिक के साथ कैसे मनमोहन सिंह ने फोटो खिंचाया था, ये तो उनकी अंतरिम इच्छा थी कि हम जैसे तैसे जो हमारे पास जो हमने जो गलती से कश्मीर फोटो नहीं खिंचाई, सम्मानित किया गया, सम्मानित भी किया। देखो, यासीन मलिक बहुत सम्मानित व्यक्ति था, उसी के कर्मों की वजह से हमारे पास जो
जो कश्मीरी पंडित थे वो वहाँ से भगाए गए, वहाँ से भगा दिए गए दुलत्ती मार के। ये कांग्रेस सरकार की उपलब्धि है। पता नहीं क्यों लोग बाग ऐसा सोचते हैं कि ये कांग्रेस सरकार ने उल्टा पुल्टा कर दिया। देखिए मुस्लिमों का भी तो देश है ये। अगर हम हिंदू चिल्लाते रहेंगे हमारा देश है ऐसा थोड़ी है, ये मुस्लिमों का देश है पूरा। जब तक भारत हैदराबाद से लेके ओवैसी, केरल और अपना तेजस्वी यादव भी मुस्लिम देश की तरफ बढ़ने की तरफ अग्रसर बढ़ चुके हैं। तेज प्रताप को वो रोक रहे हैं कि हमारे यहाँ मत आना। मैं तो यासीन मलिक जैसी रिहा होंगे और अन्य अपराधी जैसी रिहा होंगे, तेजस्वी प्रताप उनको दोनों हाथों से सम्मानित करेंगे और बिहार में उनका आगमन करेंगे। क्योंकि जब तक ये पूरा भारत देश मुगल काल में तब्दील नहीं हो जाएगा, मैं नहीं समझता मेरे दिल को तसल्ली मिलने वाली है। बीजेपी को वोट ना दें बस।